मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरानु कलमा पड़ा छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरानु कलमा पड़ा छोड़ आए الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. अल्लाह ने अपना सोना महबूब इंज सजाया नशरा दा पाक सीना चेहरा दोहा बनाया. अल्लाह ने अपना सोना महबूब इंज सजाया नशरा दा पाक सीना चेहरा दोहा बनाया. मादा गए अखियां काजल मादा गए अखियां काजल वलैल जुल से आही जग तो कुफर मिटाण आया आज रब दमाही. उंदे चेहरे दी जलक तो कईयां ने फैज पाया नशरा दा पाक सीना चेहरा दोहा बनाया. या रब साई कदम कमाई ते सुन साडिया फरियादा या रब साई कदम कमाई ते सुन साडिया फरियादा जिन्ना कोल औलाद नी मौला तो देवियों नू ने कोलादा ते मौला इक गुणा मेरा लोकी वे अति देवन देश निकाला लख गुणा मेरा मौला वेखे ओए लख गुणा मेरा मौला वेखे ते तामी परदे पावन वाला. हर किस्म दी हमदो सना बड़ाई किबरियाई शहनशाही बादशाही अल्लाह सुबहानहु व तआला दी जाते बबरकत वास्ते खास है और बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदस ते होन. मेरे शहर शाम खोड़ दे गयूर बाशऊर बावकार जिंदा दिल मुसलमानों और इस मस्जिद दी जिंदा दिल इंतजामिया और मेरे उस्ताद मोहतरम जो के अरसा दराज तो इस मस्जिद दी इंतजामिया भी ने खतीब व इमाम भी ने मैं दुआ को हाँ अल्लाह उस्ताद मोहतरम दी उम्र अंदर बरकत अता फरमाए. सारी जिंदगी गुजर गई इस अल्लाह के घर अंदर दीन दी खिदमत करदे होया दुआ करो कि अल्लाह उस्ताद मोहतरम दियाँ मेहनत अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए. अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम नू इंदे बदले अंदर जन्नतुल फिरदौस अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ नसीब फरमाए. और इस तरह ही तुसी देख रहे हो कि इन्हां दे नाल ही साढ़े शाम कोट की शख्सियत अलहम्दुलिल्लाह उलमा दे सर ते दस्ते शफकत रखने वाली शख्सियत उलमा नाल अपनी जान नालों ज़्यादा मुहब्बत और प्यार करने वाले उलमा दा ख्याल रखने वाले उलमा दे अखराजात नू मुकम्मल करने वाले डॉक्टर मुहम्मद रफीक बुक डिपू वाले मैं दुआ गो हाँ अल्लाह डॉक्टर साहब की उम्र अंदर बरकत अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर साहब दे माल जान अंदर बरकत अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम नाल बड़ी ही मुहब्बत करने वाले ने अल्लाह ने दौलत दी है और उस दौलत नाल अल्लाह दी जन्नत दे वारस बन रहे ने.
थोड़े इस इलाके के अंदर जगह जगह से हर मस्जिद के अंदर प्रोग्राम को सजाने वाली ये शख्सियत है। दुआ करो अल्लाह इन्हों का साया साढ़े सर से तदेर सलामत रखे। मेरे वालदे मोहतरम तशरीफ फरमाने में दुआ को हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्र अंदर बरकत अता फरमाए। मोहतरम भाइयों तुसी सारे ही चेहरे मेरे अपने हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते फख्र है कि अपने शहर शामकोट के अंदर मैनू मौका नसीब होया। मैं तुहाडे सारयां दा बेटा भी हाँ, भाई भी हाँ, छोटा भाई हाँ। दुआ करो कि अल्लाह हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। यकीनी बात है कि मस्जिद अंदर बैठ के गल कर रहा, मैनू बार अरसा दराज तो मैं प्रोग्राम ते जा रहा, मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा। दो दिन पहला मरी अंदर मैं गया, आज़ाद कश्मीर अंदर गया, शहर सियालकोट तो होके फिर वापस शहर लाहौर अंदर खुतबा जुमा इरशाद फरमा के तुहाडे कोल हाजरी हुई है। जितनी खुशी मैनू इस अपने शहर के अंदर महसूस हो रही है, अल्लाह की जात गवाए मैं इतनी खुशी कितने महसूस नहीं हुई। ये सिर्फ थोड़ी मुहब्बत है, थोड़ा प्यार है, जात अल्लाह रब्बुल इज्जत दी है जिहड़ी इंसान के नाल मुहब्बत और प्यार करने वाली है। अल्लाह इंसानों को सबब बनाता है। मैनू फख्र है कि मैं अपने शहर अंदर बयान कर रहा हूँ। तुसी सारे मेरे अपने हो, मेरे अजीज हो, मेरे प्यारे हो, मेरे बुजुर्ग हो, और कोई मेरे खानदान के लोग ने, कोई मेरे जानन वाले ने। मैं तुहाडे सबरां वास्ते दुआ करना अल्लाह जिवें सानू इत्थे कट्ठियां बैठा जाई कल कयामत वाले दिन जन्नतुल फिरदौस अंदर कट्ठियां नसीब फरमा दी। मेरे बड़े ही जाने पहचाने माशाल्लाह कोई चेहरा ऐसा नहीं जिन्हों मैं ना जानता हूँ। मैं सब वास्ते दुआ करना भाई नवाज चाचा सरदार और जितने दीगर अहबाब हो तुसी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडे वास्ते रिज़्क़े हलाल दे खजाने खोल दे। अल्लाह तुहाडियां औलादां नूं तुहाडियां अखां दी ठंडक बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिवें इत्थे इकट्ठियां बिठाया है, अरशां वालिया तेरे गुनाहगार बंदे दुआ कर रहे ने अल्लाह, अल्लाह जी सानू जल्द अज जल्द अपने घर बैतुल्ला अंदर इस तरह इकट्ठियां बिठा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलम वालिया नाल मुहब्बत करया करो, जिहड़ा बंदा इलम वालिया नाल प्यार करता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है। आपने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया दे वारस ने। उलमा कौन ने? जेडे कुरान पाक नु हिफ्ज़ करने वाले ने, जेडे अल्लाह दी किताब नु अपने सीने अंदर महफूज करने वाले ने। मोहतरम भाइयो उलमा ने जेडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अदावां दे हाफज ने। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला नु दा कौल है, फरमाते ने लोगो उदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतुहलक। लोगो या ते तुसी आलिम बन जाओ, इलम नु सीखो, सीख के इतना इलम हासिल कर लो कि तुसी आलिम बन जाओ। फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमन, फिर दूसरी खूबी अपने अंदर पैदा करो कि तुसी इलम सीखन वाले तालब इलम बन जाओ। और फरमाया अगर तुसी तालब इलम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन, फिर तुसी इलम नु सुन वाले तीसरे बन जाओ। अगर तुसी इलम नु सुन वाले नहीं बन सकते औ मुहिब्बन, फिर चौथी बात यह है कि इलम वाले नाल प्यार करने वाले बन जाओ। अंतुबगिज़ल इल्म व अहलहू, पंजवा नहीं बनना या रसूल अल्लाह, अगर पंजवा बना के की होएगा? आपने फरमाया फतोहलक, अगर इलम वाले नाल दुश्मनी रखेगा अल्लाह तेनु दुनिया अंदर तबाहो बर्बाद कर दे। इलम वाले नाल दुश्मनी नहीं रखनी, कुरान दे कारियां नाल नफरत नहीं करनी। जिहड़ा बंदा ए किताबुल्लाह नूं सीने अंदर महफूज करने वाले नाल नफरत और बुगत रखता है अल्लाह उन्हूं दुनिया दे उत्ते ही निशाना इबरत बना के रख देंदा है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू कुरान दियां कारियां नाल मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह हाजी साहब आए नहीं, शायद आन वाले होंगे, हाजी सलीम जरगर साहब। दुआ करो जिथे भी ने अल्लाह पाक उन्हां दी हिफाजत फरमाए। मैं बात इंशाल्लाह तुहानू समझानी है, तुसी कहो इंशाल्लाह असी समझनी है। इंशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा मुकाम है जिहड़ा अल्लाह ने इस मस्जिद के अंदर कारी रफीक साहब के बेटे नूं अता फरमाया है, जिहड़ा अल्लाह ने कुरान के कारियां नूं अता फरमाया है, जिहड़ा अल्लाह ने उस्ताद मोहतरम के पोतरियां दोतरियां नूं अता फरमाया है। दुआ करो अल्लाह साड़ियां नस्लां के अंदरों इमाम बुखारी जे मुहद्दस पैदा फरमा दे। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पैगंबर फरमाते ने तुसी इलम नूं सीखन वाले बन जाओ, इलम वालियां नाल मुहब्बत करन वाले बन जाओ,
मेरे पैगंबर ने फरमाया इलम वाले नाल प्यार करन वाले बन जाओ। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला नो दमिश्क दी जामिया मस्जिद अंदर तशरीफ फरमाने एक आन वाला अबू दरदा को आया आके कहन लगा अतई तू कमिन मस्जिदी रसूलिल्लाह मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जामिया मस्जिद यानी शहर मदीना अंदरों आया वा मैं नबी पाक दी मस्जिद चो सफर करके दमिश्क दे शहर अंदर आया वा अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी मस्जिद अंदरों आया। सैयदना अबू दरदा पुछदे ने आन वाले किवें आया है कहन लगा जी मैनू पता चले आए तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलो एक हदीस दा इलम सिखिया एक रवायत तुहाडे कोल है जिहड़ी तुसी अपने कन्ना नाल अल्लाह दे पैगंबर कोलो सुनीए ओ रवायत नूं सुना दिओ। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी फरमांदे ने मां जा अबीका तिजारत मैं समझिया कि किसे तिजारत लई आया होएगा मैं समझिया कि कोई काम आया होएगा और नाल इहने किया कि मैं इलम भी हासिल कर लवां पर माजा ना ना अबू दरदा ना ना अबू दरदा ला वल्ला मैनू अल्लाह दी कसम है मैं सिर्फ हदीस दा इलम हासिल करन वास्ते शहर मदीना चो चल के दमिश्क दी जामिया मस्जिद अंदर आ गया वा। सैयदना अबू दरदा बयान फरमांदे ने फरमाजा जे ए गल ने फिर इत्थे बह जा पहले तैनू मैं नबी पाक दियां बशारतां सुनावांगा जिहड़ियां आपने इलम हासिल करन वालियां नूं सुनाईयां इत्थे मेरे कोल बह जा और बशारतां सुनाईयां। मुसनद अहमद अंदर सुनन इब्ने माजा अंदर जामे तिरमिज़ी दी रवायत है फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा जिहड़ा अपने घरों इलम हासिल करन वास्ते निकल पैंदा है जिहड़ा अपने घरों कुरान नूं सिखण वास्ते निकल पैंदा है जिहड़ा अपने घर अंदरों हदीस दियां हदावां नूं सिखण वास्ते नबी पाक दियां हदावां दा हाफिज़ बनण वास्ते निकल पैंदा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया सखालल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना अल्लाह उंदे लई जन्नत दे रस्ते आसान बना देंदे ने। जिहड़ा बंदा कुरान नूं सिखण वास्ते अपने घरां अंदरों बाहर आ जांदा और सुनन नसाई दी जामे तिरमिज़ी दी रवायत दूसरी बशारत मेरे पैगंबर ने फरमाया आप फरमाते ने इन्नल मलाइकाता तज़ाउ अजनिहतहा रिज़ल्ली तादी बिल इल्मी नबी पाक बयान फरमाते ने फरमाया जिहड़ा बंदा इलम हासिल करन वास्ते कुरान सीखण वास्ते अपने घरों बाहर निकल पिया आसमान दे नूरानी फरिश्ते उहदे इस्तकबाल लई अपने परां नूं बिछा देंदे ने। जिहड़ा इलम हासिल करन वास्ते अपने घरों बाहर निकल आया और तीसरी बशारत मेरे पैगंबर दी फरमाया जिहड़ा इलम सीखण वास्ते अपने घरों बाहर निकल आंदा माशाल्लाह अहलन व सहलन उस्ताद मोहतरम अब्दुरहमान साहब हाजी साहब अगां आ जाओ स्टेज ते अल्लाह तुहानू जज़ा दे। फरमाया जिहड़ा इलम सीखण वास्ते अपने घरों बाहर निकल जांदा है इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहु मन फिस्समाई वल अर्ज मन फिस्समाई वल अर्ज जिहड़ा इलम सीखण वास्ते अपने घरों बाहर निकल पैंदा है। नबी पाक बयान फरमाते ने जमीन आसमान दियां सारियां मखलूकां उस बंदे लई दुआ करदियां ने अल्लाह सोहणिया अरशां वालिया तेरे कुरान नूं सिखण वास्ते करो बाहर निकलिया है अल्लाह जी तुहाडे पैगंबर दियां अदावां दा हाफिज़ बणन चलिया है अल्लाह सोहणिया असीं दुआ करने अपने इस बंदे दी मगफरत फरमा दिओ अल्लाह जी अपने इस बंदे नूं मुआफ़ फरमा दिओ अल्लाह जी अपने इस बंदे दियां गुनाहां नूं माफ फरमा दिओ। और पंजवीं बिशारत मेरे पैगंबर ने फरमाया सुनन अबी दाऊद अंदर आका फरमांदे ने जिहड़ा इलम सीखण वास्ते शाम कोटियां इलम सीख के आलिम बन जांदा है मदरसियां दे अंदर जिंदगियां लगा के मदरसियां दे कच्चे ते पक्के खाने खा के लोगां दे ताने खा के फरमाया जिहड़ा बंदा इलम सीख के आलिम बन जांदा है भैणां भाईआं तों दूर रह के मां बाप
ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਬਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ ਫਜ਼ਲੁਲ ਆਲਿਮੀ ਅਲਲ ਆਬਿਦੀ ਕਾ ਫਜ਼ਲਿਲ ਕਮਰੀ ਅਲਾ ਸਾਇਰਿਲ ਕਵਾਕਿਬ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਬਿਦ ਇੰਜ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਨ ਅੰਦਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਨਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਾ ਲਉਲਾਮਾ ਵਾਰਸਤੁਲ ਅੰਬੀਆ ਉਲਾਮਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਟ ਦੇ ਆ ਬਾਹੀਆ ਸ਼ਾਮ ਕੋਟ ਦੇ ਆ ਵੀਰੀਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਲਓ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀਰੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਲਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਬਣਾਓ ਅਗਰ ਚਾਹਨਾ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋੜ ਦੇ ਆ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਿਆ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਐਸਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੂੰ FSC ਕਰ ਲੈ BSC ਕਰ ਲੈ MA ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਏ ਇੱਕ ਵਹੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਾਕਾਜ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੂਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾਉ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨੇਕੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਲੈਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਦੱਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਦੱਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਦੱਸਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਬਰੀਲੇ ਅਮੀਨ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਤਸਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨੇ ਮਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਤਸਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਸਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਗਾਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰ ਜਾਗੇ ਕੱਟ ਜਾਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਦੇ ਹੱਕ
सिखाए, कुरान ने सानू मां बाप दा अदब सिखाया, कुरान ने सानू अजीजो कारम नाल मुहब्बत करन दे तरीके दसे, कुरान ने नबी पाक दे सहाबा दी अजमत बयान फरमाई, कुरान ने मक्के मदीने दे तारफ करवाए, कुरान ने अंबिया दा जिक्र फरमाया, कुरान ने जन्नत दियां नेमतां दा तज़किरा फरमाया, कुरान ने सानू सब कुछ अता फरमाया। मुहब्बत दी गल करिए ना, प्यार दे जुमले कवाओ, मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान देना ले आया बहारा। मुसलमान मुसलमानो कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान देना ले आया बगारा। कलामे खुदा नो जिन्ना सीने लाया, नबी नाल रल के ते लुटिया बगारा। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके होया, जिस ते नाजल उस प्यारे तो सदके, जे कुरान दे लल दिलों प्यार पावे, ए कुरान दे विच मुनाफे गजारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान देना ले आया दारा। इंदे लई ते गदरत ने तकलीफ पचाइया, इंदे लई ते मक्के च पईया दोहाइया। सहाबा दे प्यारे लहू नाल लोगो, इंदे लई ते रंगी नगोइया दीवारा। फरमाया इंज नहीं कुरान इब्ने आदम तेरे तक आया, एवें नहीं असी कुरान तेरे तक पहुँचा दिता। इस कुरान ने पाक पीछे तुहाडे नबी ने ताइफ दी वादी अंदर पत्थर खादे, इस कुरान ने पाक पीछे तुहाडे पैगंबर ते गंदियां ओजरियां सुटियां गईयां, इस कुरान ने पाक दे पीछे तुहाडे नबी दे दमदार मुबारक नूं शहीद कर दिता गया, इस कुरान ने पाक दे पीछे तुहाडे पैगंबर दे सर अंदर जीरा नूं पवस्त कीता गया, इस कुरान ने पाक दे पीछे तुहाडे नबी दे जुलम दे पहाड़ तोड़े गए, इस कुरान ने पाक दे पीछे तुहाडे पैगंबर दे चाचे हमजा नूं शहीद कीता गया, इस कुरान ने पाक नूं साडे तक पहुंचाण लई नबी पाक दीआं बेटियां नूं तलाकां दित्तियां गईआं। नौजवानां अज कदर नहीं करना है मालिक दी किताब दी, एवें नहीं कुरान साडे तक आया। कुरान ने साडे कोलों कुर्बानियां मंगीआं ने, कुरान साडे तक पहुंचण लई बड़ी लंबी दास्तान शहादा दी कुर्बानियां दी बड़ी लंबी एक लिस्ट है, अगर मैं पढ़नी शुरू कर दियाँ तो रात गुजर जाए, शाम कोटिया लिस्ट खत्म ना हो सके। एक बाप का दलायल दे के बाप अगे चुलावा, सही बुखारी अंदर है, मेरे पैगंबर ने अपने 70 कुरान दियाँ कारियां मेरे महुना दे मुकाम ते भेजिया। फरमाया जाओ ना जाके दीन दी तबलीग करो, साढ़े कुरान कुरान पाक नू फैला दियो। मेरे नबी दी कुल मेहनत 70 कुरान दे कारी, मेरे पैगंबर दी उस वक्त खेती तैयार हो गई है। जिमीदारा जानना है जदों बंदा निक्यों ला खेती दे अंदर हल चला देवे, जिमीदारा फिर बीज सुट देवे, फिर पानी लगा के जिमीदारा फिर गंदम तैयार हो जाए, गंदम पक के आ जाए, मशीना चो पा के कढ़ के ते गट्ठे भर लवे। अगर तेरी गंदम नू कोई उठा के लै जाए, खुदा दी कसम सदमा सारी जिंदगी नहीं जाएगा। ए मेरे पैगंबर दी 70 कुरान दे कारी ने, मेरे नबी दी मदीने दी खेती है, ए मेरे पैगंबर दी मेहनत है, मेरे माउना दे मुकाम ते चले गए। इन्हां कारियां दे अंदर मेरे नबी पाक ने हजरत हराम इब्ने मलहान रजी अल्लाह तआला नू 70 कुरान दे कारियां दा अमीर बनाया। फरमाया इत्थे रुको कुरान वालेओ, मैं जानना वा आमर बिन तुफैल कोल, मैं हालात वेख के तुहानूं बुला लांगा। आमर बिन तुफैल दी अदालत अंदर चले गए। फरमाया हजरत हराम इब्ने मलहान रजी अल्लाह तआला नू जेड़ा साड़ी अदालत अंदर आंदा है, साडा कानून है, वो साडे सामने सर झुकांदा है।
साडा कानून है वो साडे सामने सर झुकांदा है। ते कुरान ने मैनू तेनू किंज दा अकीदा सिखाया। हजरत हराम इब्ने मलहान फरमाते ने नाना अमर बिन तुफैल जदों दा कुरान पढ़ आए सर झुकाया भी रब ले जाएगा ते सर कटाया भी रब ले जाएगा। उन्हें पिछे खड़े एक बंदे नूं इशारा कीता, उन्हें पिछों नबी पाक दे यार दी कमर ते बरछा मारिया। शाम कोटिया छाती नूं दो करके ते बरछा सामनों बाहर आ गया। बुखारी दे अल्फाज ते लिखिया है, बुखारी दी औराक दे अज भी अल्फाज मौजूद ने। फरमाया छाती चो आर पार बरछा हो गया, नबी पाक दे यार दी छाती विचो खून दे फुवारे चल रहे ने। एवें नहीं कुरान साडे तक आया, नबी पाक दे यारां ने जाना कुर्बान कीतियां ने। ओए कुरान कुर्बानियां मंगदा है जिहड़ियां असीं नहीं दे सकदे। जदों बरछा वजिया ते छाती मलो बाहर आ गया, मेरे पैगंबर दे यार कहन लगा फुजतु वा रब्बिल काबा, फुजतु वा रब्बिल काबा, फुजतु वा रब्बिल काबा, काबा ते रब दी कसम मैं कामयाब हो गया वा। आमिर बिन तुफैल हैरान हो गया, ए नबी पाक दे यार किंज दे ने मौत नूं कामयाबी समझ रहे ने। इन्हें अपनियां फौजां नूं बेरे मौना ते कलिया, ओए कुरान दियां कारियां नूं ताने ना मारिया कर, कुरान दियां कारियां दे दिल ना दुखाया कर, कुरान दियां कारियां नूं बोलियां मार के ना लंघिया कर। कमलिया मस्जिद दा 24 घंटे ताला खोल के रखना तेरे वास्ते, कुरान सुनाना तेरे वास्ते। भला दस मैनूं 15,000 सैलरी ते कौन गुजारा करदा है। एक कुरान दे कारी ने जिन्ना यारी रब ना लाई है दुनिया चो कुछ नहीं लभदा, सिर्फ जन्नत दा सौदा करके बैठे ने। वेखना अमर बिन तुफैल दियां फौजां बेरे मौना दे मुकाम ते आईयां, नबी पाक दियां 70 कुरान दियां कारियां नूं पकड़ लिया। हर एक दी गर्दन ते तलवार नूं चलाया जा रहा है, मेरे पैगंबर दे यारां नूं ज़िबा कर दिता। उन्हां किवें कुरान नूं समझिया, उन्हां किवें कुरान नाल प्यार कीता। जान दी नहीं गवारा कर लईए शाम कोटिया, पर कुरान नाल यारियां नहीं तोड़ियां। इहनूं कहिंदे ने कुरान दा कारी, इहनूं कहिंदे ने हालात नाल लड़न वाला मुजाहिद। जदों एक एक दी गर्दन ते तलवार चल रही, एक एक बोल के कह रहे है बल्ली ऊ कौमाना, बल्ली ऊ कौमाना, अनकद लगीना रब्बाना, फराजियां ना वारदाना। ऐ बाप दे सबा साडा पैगाम साडे महबूब तक पहुंचा दे, सुनिया तेरे कुरान दे कारियां दी मुलाकात, मेरे मौना ते रब नाल हो गई है। महबूबा ओ मुलाकात नी कामयाब हुई है, रब साडे तेरा दी हो गया, असियां समान वाले तेरा दी हो गए। कुरान कुर्बानियां मंगदा जे मेरे नबी दियां यारां ने मैदानां नूं सजा के कुरान साडे तक पहुंचाया। फरमाया चार चीजां बन जाओ, चार खूबियां पैदा करो। पहला आलिम बन जाओ, दूसरा इलम नूं सिखण वाले बन जाओ, तीसरा इलम नूं हासिल करन वाले यानी इलम नूं सिखण वाले, दूसरा जनाब मेरी तुसी इलम वालिया नाल प्यार करन वाले बन जाओ, और चौथा फरमाया तुसी इलम नूं सुनन वाले बन जाओ। ये चारे खूबियां मेरे पैगंबर अंदर पाइया जांदियां, ये चारे खूबियां मेरे नबी दी सुन्नत मुबारका ने। चार खूबियां शाम कोटिया अपने अंदर पैदा कर, उन्हां अंदरों पहली खूबी मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। सुन्नत दी बात समझा के चला जावा, सुन्नत दी गल दस के चला जावा। सुन्नत किनू कहिंदे ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया ओए आलिम बनना वी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक है। शाम कोटिया पुत्र नूं इलम वास्ते वक्फ कर दे। मेरे पैगंबर अपने सहाबा नूं फरमांदे ने, फरमाया ओ मेरे यारो इन्नात का कुम वालम कुम बिल्लाही आना। आका फरमांदे ने सही अल बुखारी किताबुल इमाम दी भी नंबर रवायत है, माहिशा बयान कर दिया ने, मेरे नबी ने फरमाया तुहाडे अंदरों सब नालो वड्डा आलिम भी मैं आ, ते सब नालो ज्यादा अल्लाह कोलों डरन वाला भी मैं आ। पता चलिया आलिम बनना भी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक है। तवज्जो मेरे वल रख मेरे आ वीरा, आलिम बनना भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक है। और दूसरी
मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, इलम सीखना भी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक है। अल्लाह ने कुरान पाक नु नाजल फरमाया, मेरे मालिक फरमांदे ने अल्लाह ने सूरतुल अलक उतार दी, मेरे पैगंबर गारे हिरा अंदर ने जिब्रील कुरान लेके आ गए, मोहब्बत के कलामे अंदर मेरे पैगंबर नु पकड़िया और नाल फरमाया सोनिया पढ़ो इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक, इकरा पढ़ो। मैनू नहीं आता मां ना बिकारी जबरील मैं पढ़िया नहीं हाँ, पर माया सुने इकरा पढ़ो जबरील मैं नहीं पढ़िया, इकरा पढ़ो जबरील मैं नहीं पढ़िया। फिर आपने इंज करके जबरील ने मेरे पैगंबर नो मेरे पैगंबर नो मोहब्बत दे कलावे अंदर माशाल्लाह मैं वेख्या नहीं, अहलन वसहलन मरहबा क्या बात है जी उस्ताद मोहतरम, मेरे पैगंबर ने मोहब्बत दे कलावे अंदर जबरील ने पकड़िया, पकड़ के जबरील ने जोर नाल दबोचिया, दबोच के जबरील कहन लगा महबूबा पढ़ो ना इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाज़ी खलक, ओंदे नाम नाल पढ़ो जिस रब ने तुहानू पैदा फरमाया। नबी पाक ने पढ़िया, नबी पाक ने पढ़ना शुरू कर दिता, मैं शाम कोट दिया जवाना पता चलिया ना जबरील दे पढ़ान अंदर कमाल है, ना नबी दे पढ़न अंदर कमाल है, कमाल ते आसमान वाले दे सिखान अंदर कमाल है। तू किवें कहना है अगर पुत्र नो कुरान दा कारी बना दिता, मेरा पुत्र भुखा मर जाएगा, कारी साहब रोटियां कितों खाएगा, कारी साहब खर्चा कितों खाएगा, मौलविया नो लभदा कुछ नहीं। मैं कहना ना ना कमलिया, मालिक फरमाते ने ओए तू दीन साडे लई वक्त कर दे, असी तेरे पुत्र दियां रोटियां दा वादा अपनी किताब दी पहली आयत अंदर चा लिया। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरबी अंदर रब ओनू कहंदे ने जिहड़ा पालदा है, पैदा करन तो मरण तक दियां जरूरतां नू पूरा करन वाले नू रब कहा जांदा है। माया तू पुत्र साडे वल जा, असी अपनी किताब दी पहली आयत अंदर, असी अपनी किताब दी पहली लाइन अंदर तेरे पुत्र दियां रोटियां दे वादे उठा ले, तेरे पुत्र दियां रोटियां दे जिम्मे उठा ले। अल्लाह फरमांदे ने सूरह तौहा अंदर 114 नंबर आए थे, सोने पैगंबर जी इलम भी हासिल करना है नाले रब कोलो दुआ भी करनी है, वा गुर रब्बी जिदनी इल्मा, वाकुर रब्बी जिदनी इल्मा, वाकुर रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाह सोनिया मैं इलम भी सीख रहा वा, अरशां वालिया मैं तुहाडे कोलो दुआ भी कर रहा वा। दूसरी मेरे पैगंबर दी सुन्नत, आलिम बनना भी नबी पाक दी सुन्नत, इलम नू सीखना भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक। और तीसरी खूबी ते गौर करीना, इलम नू सुनना भी मेरे नबी दी सुन्नत मुबारक है। यारो तुसी सुनन आए बैठे हो, मेरे चाचे ताए आए बैठे ने, मेरी अपनी बिरादरी खानदान के लोग आए बैठे ने, तुसी सारे मेरा अपने हो, मेरा अपना शहर ते गांव है। खुश हो जाओ मुबारक लेके चले जाओ, इलम नो सीखना भी मेरे नबी दी सुन्नत मुबारक है। दलील सहीहुल बुखारी अंदर 5549 नंबर रवायत है, किताब फजाइलुल कुरान पढ़ रहा वा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी अब्दुल्ला उठना मेरे मिंबर ते बह जा, मैनू कुरान पढ़ के सुनाना। ते आंदे ने महबूबा कुरान ते तुहाडे ते नाज़िल होया है, सुनिया मैं कुरान किवें पढ़ के सुनावा। फरमाया ना ना अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्मउ हु गई मिन गैरी, अब्दुल्ला जिवें मैं कुरान पढ़ना पसंद करना वा, अब्दुल्ला मैं कुरान नु सुनना भी पसंद करना। शां कोटिया गल समझ के लै जा, आलिम बनना भी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक है, इलम सीखना भी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक है, इलम नु सुनना भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक है। ये सुन्नत तुसी भी अमल कर रहे हो, ते चौथी सुन्नत है इलम वालिया नाल प्यार करना, कुरान दियां कारियां नाल मुहब्बत करना, कुरान वालिया दे अखराजात दा ख्याल रखना, कुरान वालिया नु खर्चे देने, ये भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, आमिना दलाल फरमांदे ने सुनने अबी दाऊद 1522 नंबर रवायत है, तवज्जो मेरे वाल रखी मैं बाप खत्म करन लगा वा। सोनिया मुहब्बत दी नजर मेरे वाल उठा ले, प्यार दा कलम उठा के दिल दे उराग ते नबी पाक दियां
सुन्नता नू लिख के चला जा। ओए आलिम बनना ए भी सुन्नत है, इलम सीखना ए भी सुन्नत है, इलम सुनना ए भी सुन्नत है, इलम वाले नाल प्यार करना। मेरे पैगंबर फरमाते ने आका ने मुआज़ इब्ने जबर रज़ी अल्लाह तआला नो दे हत्थां विच हाथ पा ले ने ते मेरे नबी चल के जा रहे ने। फरमाया वल्लाही वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, वल्ला भी कसम है ग्रामर जानन वाले इलम वाले लोग बैठे ने। फरमाया वल्ला भी कसम है इन्ना भी कसम दे माणी अंदर लाम तक दिया है। तीन कसम उठा के मेरे पैगंबर ने फरमाया ओए मुआज़ प्यारे आ मैनू अल्लाह की कसम है मैनू तेरे नाल बड़ा ही प्यार है, मुआज़ मैनू तेरे नाल बड़िया मुहब्बत ने। और मजमाऊ ज़वायद अंदर मुस्तदरक हाकम की रवायत है आका फरमाते ने कल कयामत का दिन होएगा अलहदा अलहदा ग्रोह बन जाएंगे, लोग आपस अंदर तकसीम हो जाएंगे। ए ग्रोह नमाजियां दा है इन्हां नू मौलाना रमजान शाकर साहब नमाज पढ़ाते रहे, ए ग्रोह नमाजियां दा है हारी अब्दुल रहमान सुदै साहब शमसुल हुदा अंदर इन्हां नू नमाज पढ़ाते रहे, ए ग्रोह रोजेदारा दा है कारी रफीक साहब इन्हां दियां सहरियां ते अफतारियां पकाते रहे। फरमाया ए ग्रोह ताजरां दा है, ए ग्रोह मस्जिदां बनाण वालियां दा है, ए ग्रोह कुरान दियां कारियां दा ग्रोह है। मेरे नबी फरमाते ने मजमा उस ज़वायद अंदर मुस्तदरक हाकम अंदर इन्ना मुआदिया ती यौमल कियामती अमाम उलमा, कल कयामत दा दिन होएगा मेरे मुआद नू अल्लाह उलमा दे ग्रोह दा मालिक बना देंगे। अगर उलमा दे ग्रोहां दी क़यादत करवाएगा मेरा मुआद इब्ने जबल क़यादत करवाएगा। ओए कुरान वालिया नाल प्यार करना ये भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक है। सोनिया कयामत दे दिन तुसी किवें साडे वल आओगे, फरमाया ना अव्वल सही मुस्लिम किताबुल इमाम दी 197 नंबर रवायत, फरमाया ना अव्वल मैं उफ्ता गुला हो बाबुल जन्ना, मैं अपनी उम्मत नूं लै के जन्नत दियां दरवाजियां ते चला जावांगा, मैं दरवाजा खटखटावांगा, आवाज आएगी मन दखल बाब कौन है दरवाजा खटखटाण वाला, आना मुहम्मदुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह दा आखरी पैगंबर हां बीका वो मेरे तो सोनिया तुहाडे हुक्म दिता गया सी जदों तक आमिना दलाल ना आ जाए, इत्थे आदम जे पैगंबर भी आ जाण, इत्थे नूह जे सबर करन वाले भी आ जाण, इत्थे यूब जे साबर भी आ जाण, इत्थे इब्राहिम खलील जे भी आ जाण, इत्थे मूसा कलीमुल्ला भी आ जाए, इत्थे यूनस मछली वाला भी आ जाए। फरमाया इत्थे दाऊद आ जाए, इत्थे इस्माइल आ जाए, 1,24,000 पैगंबर सवाए मेरे मुहम्मद तो आ जान। ओए जन्नत दिया दरबाना दरवाजा ना खोली जदों तक आमिना दलाल ना आ जाए। मोहब्बत की गल करिए ओए दिन जदों हशर दे सवाल होणगे हमी साडे आमिना दे लाल होणगे, ओए दिन जदों हशर दे सवाल होणगे हमी साडे आमिना दे लाल होणगे, और जन्नतां नूं जाएगी सवारियां आप दी नाल नाल मदनी दे यार होणगे हमी साडे आमिना दे लाल होणगे, और आप सारियां नूं पई होवेगी मुस्तफा नूं साडे ही ख्याल होणगे हमी साडे आमिना दे लाल होणगे। चार मेरे पैगंबर दियां सुन्नतां आलिम बनना भी नबी पाक दी सुन्नत बात समझ लो, तालब इलम बनना यानी इलम नूं सिखना ये भी नबी पाक दी सुन्नत मुबारक, इलम नूं सुनन आए बैठे हो ये भी तुसी मेरे पैगंबर दी सुन्नत अमल कर रहे हो, इलम वालियां नाल प्यार करना ये भी मेरे पैगंबर दी सुन्नत मुबारक है। इलम वालियां नाल प्यार करन वालियां नूं रब अता की करदा है, अल्लाह दुनिया ते भी इज्जतां देंदा है, कल कयामत वाले दिन भी इज्जतां दे ताज पहना देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी
अल्लाह तआला नो बयान फरमांदे ने। फरमाया लोग अज बड़ियां गल्लां करदे ने, अबू हुरैरा नू हदीसां बड़ियां आउंदियां ने। फरमाया याद करो ए मदीने दे वासियो, मदीने वाले याद करो उस वक्त नू याद करो जदों नबी पाक दे यार उठ के कम्मे लग जांदे ते अबू हुरैरा साहब सुफा कोल बह के इलम सिखदा सी। उस वक्त नू याद करो, अज लोग बड़ियां गल्लां करदे ने अबू हुरैरा नू हदीसां बड़ियां आ दियां। अज असी भी लोग आने सानू तानिया तो सिवा और कुछ लभदा ही नहीं दा। असी लोग गल्लां करने लो जी कारी साहब कारियां तो सानू तंग कीता होया। ए बड़ी साड़ी जुबान ते गल आई है कमलिया, जे कारी तेरे ना हो ते तेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा? अगर ये ना हो तेनू निकाह का तरीका नहीं किसे दसना, गुसल तुहाड़ियां मईतां नू कौन देगा? अगर इन्हां नाल मुहब्बत करोगे अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत अता करेगा, कल कयामत वाले दिन भी इज्जत दे ताज पहना देगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नूं बयान करदे ने, फरमांदे ने सहाबा अंदरो सब नालों ज्यादा हराम दियां कारियां दा ख्याल रखण वाले सैयदना मेरे पैगंबर दे सहाबा अंदरो सब नालों ज्यादा हराम दियां कारियां नाल प्यार करन वाले सैयदना जाफर दयार रज़ी अल्लाह तआला नूं सन। फरमांदे ने जदों सानू लग जाती, अबू हुरैरा खुद बयान करते ने, मैं नबी पाक की मजलिस से पाक अंदर बह के अल्लाह के पैगंबर को कुरान सिखिया करदा, नबी पाक दियां हदीसां याद करदा। फरमांदे जदों सानू भुख लग जाती मैं अपने दो यारां या तीनां नू लैके रस्ते अंदरों खड़ा हो जाता। इधरों जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला नू आंदे, फरमांदे ने सैयदना जाफर नू असीं कहिंदे, जाफर जी सानू कुरान दे इस मुकाम दा तर्जमा समझाओ ना। भाई يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا سانو دسو نا قران پاک دا مقام جناب جعفر تیار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اکلائی تو پکڑ کے اپنے حجرے اندر لے جاوندے ابو ہریرہ نو کھانا کھلا کے فرماندے ابو ہریرہ پیاریا اس آیت دا ترجمہ تے مانی ہے پیا بندے جناب ابو ہریرہ فرماندے جنگے مت सैयदना जाफर जंगे मुताम दर पहुंच के जड़ बढ़ के अगे वद के इस्लाम ने जंग लड़ रहे ने। नबी पाक शहरे मदीना अंदर बह के अपने जाफर दी आदमता नू बयान कर रहे ने। मेरे आका फरमाते ने ओए मेरे यारो मैं वेख रहा वा मेरे जाफर दे दाएं बाजू अंदर इस्लाम दा परचम है। थोड़ी देर बाद आका फरमाते ने जाफर दे दाएं बाजू नू शहीद कर दिता गया है। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा मैं वेंदा पिया वा जाफर दे बाएं बाजू अंदर इस्लाम दा परचम है। सहाबा मेरे जाफर दे बाएं बाजू नू शहीद कर दिता गया है। थोड़ी देर बाद मेरे आका आप गमगीन होके फरमांदे ने ओए मेरे यारो अल्लाह ने मैनू बखाया है जंगे मुत्ता अंदर मेरे जाफर नू शहीद कर दिता गया है। हाजीना हाजानन शदीदन नबी पाक गमगीन हो गए ने। बाबा का रसूलुल्लाह नबी पाक ने रोना शुरू कर दिता है। मेरे आका रो रहे ने। थोड़ी देर बाद आप फरमांदे ने फरमाया अब्दलाहुल्लाहु बियदैहि जनाहैनि मेरे यारो अल्लाह ने हिजाब तू ठाक मैनू बखाया है। ओए मेरे सहाबा मेरे जाफर तैयार दे बाजू कटे हुए ने। जाफर नु जन्नत अंदर सैरां लई रब ने पारा ता कर छड्डे ने। ओए जेड़ा कुरान वालियां नाल प्यार करदा है अल्लाह दुनिया ते वी ता करदा है। अल्लाह कल कयामत वाले दिन भी तुहानू इज्जतां दे ताज पहनाएगा। शर्त वे कुरान वालियां नाल मुहब्बत करन वाला बन जाओ। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा कुरान वालियां नाल प्यार करदा है अल्लाह उस बंदे नू कदी भी जाया नहीं करदा। ख्याल रखिया करना जिवें अपनियां पुत्रां दे ख्याल रखना है, इवें मस्जिद दे इमामां दे ख्याल रखिया कर। जिवें अपनी औलाद दा ख्याल रखना है, इवें मस्जिद दे इमाम दा ख्याल रखिया कर। जिवें अपने पुत्र नू खुशियां ते कपड़े लैके देना है, एक सूट खरीद लै ते मस्जिद इमाम को ला जाओ। कारी साहब जी मेरे को इन्ना कुछ होया है, ऐ मैं तुहाडे लई लैके आया वा। मेरा मान आवाज आएगी मेरे बंदे जमीन ते तू मेरे को
कुरान ते कारी नू राजी कीता है। आसमान ते तेरा रब तेरे ते राजी हो गया है। कोई औकात नहीं 1500 दी, पर याद रखी कल कयामत वाले दिन रब इज्जतां दे ताज पहना देगा। इन्ना प्यार करना है कुरान दियां कारियां नाल। जनाबी अबू हुरैरा फरमांदे ने सैयदना जाफर तैयार दुनिया तो चले गए। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर अंदर रस्ते अंदर खड़ा हो गया। भूखे नहीं लग गई असी अपने पेटा ते पत्थर बन ले ते मैं खड़ा होके पूछया जनाबी उमर दा गुजर होया। उमर जी मैनू ये साहेब दा मानी दसो। उमर भी गरीब ने कुछ नहीं मेरे उमर दे घर अंदर। उमर चुप करके चले गए। माणा दसिया सिद्दीक आ गए ने। फरमांदे ने मैं अबू बकर को माणा पूछया। अबू बकर भी चुप करके चले गए ने। मेरे नबी दा यार फरमांदे थोड़ी देर बाद अल्लाह दे महबूब पैगंबर आ गए ने। सोनिया दसो ना वायुतई मून ताम अलाहुबी मिस्कीन वीम असीरा व असीरा। महबूबा दसो ने साहेब दमाणी की बंदा है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमांदे ने अबू हुरैरा प्यारिया इधर आ तेनू माणा मैं दसना वा। ते मेरे नबी अबू हुरैरा नू हुजरे अशरफ अंदर लै गए ने। आका ने घर अंदर पैगाम भेजा कोई खान की चीज है ते जरा पेश करो ना। महबूबा एक दुध का प्याला है नबी पाक लैके आ गए ने। अबू हुरैरा रजी अल्लाह खुदा नू बयान करते ने मैं बड़ा खुश होया कि मैं पी लेंगा मैं सैर हो जावांगा। कई दिनों की भुख अबू हुरैरा तो खत्म हो जाएगी। अबू हुरैरा दियां प्यासां मुक जाणगियां। अबू हुरैरा दियां भुखां दूर हो जाणगियां। कुर्बान जावां मैं इंज दे पैगंबर तो कुर्बान जावां मैं अपने मुस्तफा तो। नबी पाक रहमत लिल आलमीन बन के आए ने। फरमाया अबू हुरैरा सोणिया भुख तैनू भी लगी है ते भुख मैनू भी लगी है। अबू हुरैरा मैं नबी उम्मत अंदर इंसाफ करन लई आया वां। अबू हुरैरा मैं कुरान दियां कारियां दे मुकाम दसण वास्ते आया वां। अबू हुरैरा मैं कुरान वालियां दियां इज्जतां दसण वास्ते आया। अबू हुरैरा मैं अपनी उम्मत नूं कुरान सिखण वालियां दा मुकाम समझाणा है। खुद भुखे रह लो पर कुरान वालियां नूं भुखा ना रखिया जे। खुदा दी कसम है नबी पाक फरमांदे ने प्यारिया ओ मेरी मस्जिद नबवी अंदर मेरे कुरान दे कारी चंद सहाबा बैठे ने उन्हां नूं लैया। अबू हुरैरा मस्जिद नबवी अंदर आए ने। नबी पाक दे कुरान दे कारी चले गए ने। आका ने फरमाया अबू हुरैरा दाई तरफ शुरू कर दो। ते नबी पाक दे यार ने पिलाना शुरू कर दिता। फरमाया एक ने पीता फिर दूसरे ने पीता फिर तीसरे ने पीता चौथे पांचवें छड़े हत्ता के 80 दे 80 कुरान दे कारी दुध पी गए ने। प्याला फिर भी नहीं मुकया। फिर नबी पाक फरमांदे ने अबू हुरैरा प्यारिया हुण तू बह जा हुण तू पीना शुरू कर दे। अल्लाह तुहाडी इज्जत की कसम इंज दा पीर कायनात अंदर आ ही नहीं सकदा। इंज दा मुर्शद कायनात अंदर आ ही नहीं सकदा। इंज दा मुअल्लिम कायनात अंदर आ ही नहीं सकदा। इन्ना उम्मत दा दर्द रखण वाले मेरे पैगंबर इन्हां कुरान वालियां दा ख्याल रखण वाले मेरे नबी। फरमाया अबू हुरैरा मैं मुहम्मद बाप ते पी लांगा तू कुरान दा कारिए पहले तू पीना शुरू कर। अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं एक दफा पीता फिर दूसरी दफा पीता फिर तीसरी दफा पीता। नबी पाक फरमांदे ने प्यारिया होर पीना। महबूबा मैनू अल्लाह की कसम अबू हुरैरा होर नहीं पी सकदा। फरमाया प्यारिया लियाओ ना कुर्बान जावा मैं उस पैगंबर तो मेरे मां बाप कुर्बान हो जा नबी पाक तो। मेरे पैगंबर ने इन्ना कुरान दियां कारियां दा ख्याल रखिया है पहले आप नहीं खाता पहले कुरान दियां कारियां नूं खिलाया। ते जिथे कुरान वालियां ने बुलियां रख के प्याले विचों दुध पीता सुनिया तुहाडी अजमत दे क्या कहने। इन्ना प्यार कीता कुरान दियां कारियां नाल मेरे मुर्शद ने उत्थे नबूवत वाले होंठ ला के तिया पीता दस दिता उम्मत नूं ऐ मेरी उम्मत दियो लोगो कुरान वालियां नाल प्यार करना भी। मैं मुहम्मद दी बड़ी अजीम सुनते मुबारक आए मैं मुहम्मद कुरान वालियां दा मुकाम दसण वाला। एक कोई आम नबी पाक दे तालिब इलम नहीं ये ओ सहाबा ने जिन्हां नूं कुरान मेरे पैगंबर ने सिखाया। मुहब्बत दा पैगाम दे के जाना चाहना वा सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्हें
ना पत्थरानु कलमा पड़ा छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरानु कलमा पड़ा छोड़ आए रब दी जन्नत नु रस्ता है जानदा केड़ा साडे मुर्शद ने सानो वखा छोड़ आए ओंदी तालीम दा है असर दोस्तो ओंदी तालीम दा है असर दोस्तो ए जो सिद्दीक बने अबू बकर दोस्तो सारा कुनबा कबीला सारा कुनबा कबीला ते दीना रोजर सोने मदनी तो सने लुटा छोड़ आए सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरानु कलमा पड़ा छोड़ आए सारे जगड़े तेरो ले किमें हुसन हल सोने मदनी सिखाई है एक ही गल हक बातिल दा अज है जो झगड़ा पिया मेरे मदनी अजल तो मुका छोड़ आए मेरे पैगंबर दे सहाबा उस्ताद मेरे नबी सहाबा दे उस्ताद ने सहाबा दे उस्ताद दे क्या कहने मेरे पैगंबर ने सिखाया ओए दुनिया वाले इंज प्यार करने कुरान वाले नाल नबी पाक ने एक दिन इनी भूख लगी हुई है अल्लाह दे महबूब पैगंबर इन्ने भूखे ने आपने पेट ते भूख दी वजह तो पत्थर बने आए सैयदना नस कर गए ना अम्मी उम्मे सुलेम नु कहन लगे अम्मी जी नबी पाक नु भूख लगी हुई है ते नबी पाक ने पेट ते पत्थर बने आए मां जी किन्ने दिन तो नबी पाक नु खाना नहीं मिलया ते सैयदना अबू तला अंसारी रजी अल्लाह तआला नो घर अंदर गए ना नी उम्मे सुलेम कुछ खाना है ते पेश करो फरमाया अबू तला जी इंज करो नबी पाक नु कह दियो एक अफराद दा खाना है सुनियो कल्ले आ जाओ रज के खा लोगे अनस जाके नबी पाक नु कहया ते सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला नो वापस पलटे ने मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओए मेरे कुरान वालियो उठो अनस दे घर अंदर साडा अज खाना है तो जनाबी अनस दौड़े होए आए ने फरमाया अम्मा जी नबी पाक ते कुरान दियां कारियां नु लेके आए ने असी तुलावा नु लेके आ रहे ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर अली सलाम अपने कुरान वालियां नु लेके आ रहे ने ते मां फरमादियां ने पुत्तर सुनया अल्लाह जाने या अल्लाह दा रसूल जाने कोई गल नहीं असी ते इक दी दावत दित्ती है पुत्तर प्यारे असी ते इक नु गया है कुर्बान जावां मेज दे पीर तो मेरा पैगंबर खुद भुखे ने पर आप नहीं गए फरमाया मैं कुरान वालियां नु पहले खिलावांगा मैं कुरान वालियां नु पहले खवावांगा मेरे पैगंबर ने खवाया कुरान वालियां नु जाके दस्तरखान लग गया नबी पाक ने अपना लवाबे दहन हांडियां विच पाया है आपने अपना लवाबे दहन रोटियां ते आटियां विच रुलाया है नबी पाक फरमांदे ने उम्मे सुलेम इन्हां नु वेखना नहीं पकाई तू जानियां ने पूरियां रब कर छड़ेगा आपने फरमाया आओ ना दस दस मेरे कुरान दे कारी केड़ा लवाब जिंदी अदमत अंदर गवा मेरे नबी दे लवाब दी तसीर वखरी ओखू मिठे गुण जदों पाए खारियां दे विच मेरा नबी इंज सजे नबियां सारियां दे विच जिवें चन पिया सजदा है तारियां दे विच नबी पाक दा ओ लवाब मेरे पैगंबर दे दस सहाबा है आपने दसा कुरान वालियां नु खाना खिलाया फिर दस होर आ गए नबी पाक ने दसा कुरान वालियां नु खाना खिलाया दस होर आ गए अल्लाह दे पैगंबर ने
80 दी 80 मेरे नबी दे कुरान दे कारी खाना खा गए ने, ना रोटियां मुकियां ने ना हांडियां मुकियां ने, जिते 80 कुरान दे कारियां ने खाना खादा। उम्मत नु सबक दे के गए मेरे पैगंबर, जेड़ा छड़े बर्तना दे अंदर छड़ियां रोटियां ते सालन, जेड़े कुरान दे कारियां ने छड़िया है ओ मेरे पीर ने खादा है। उम्मत नु कुरान वालियां दा मुकाम दसिया, और नबी पाक कुल चंद गुलाम आए, मेरे आका कुल सजदा फातिमा आ गई। बात समझ लो फातिमा कौन ने, खतूने जन्नत माँ फातिमा, जौजा अली माँ फातिमा, हसन हुसैन दी अम्मा माँ फातिमा। कौन फातिमा है? हिंदी बारे अल्लाह आसमान तो कहिंदा महबूबा ऐलान करो ना, मैं तुहाडी धी नूं अज तो बाद जन्नती औरतां दा सरदार बना छड़िया है। शतीजा ते जिगर दा टुकड़ा माँ खतीजा दी लखते जिगर मेरी फातिमा, पर कुर्बान जावी वेखी ना नबी पाक ना लो फातिमा, जिन्हों आपने फरमाया फातिमा पुत्र घबराना नहीं, कल कयामत दा दिन होएगा सब तो पहला तेरा बाबा मोहम्मद तेरिया मुलाकात नहीं आएगा। ओ मां फातिमा है, आई महबूबा अबू जान ऐ पानी ढो ढो के तुहाडी बेटी दे कंधियां ते निशान पै जांदे ने। अबू जी ये खतूने जन्नत, अबू जी मैं थक जानी हाँ, चक्की गेड़ गेड़ के मेरे खत्ता ते छाले पै जांदे ने। मेरी ओ बहनों एक बात समझ के चलिया जाओ, परदे अंदर बैठ के मेरिया बहना सुन रही ने, घरां दे अंदर झगड़े ना पाया करो, घरां दे अंदर रोले ते रप्पे खड़े ना करिया करो। खतूने जन्नत तो अफजल कायनात अंदर कोई नहीं, मां फातिमा दी अजमत नू अज दी बीबी नहीं पहुंच सकदी। खुदा दी कसम है, जदों नबी दी बेटी चक्की गेड़ दिए, मेरी ये बहना तू घर बह के क्यों रोले पानी है? इन्नी गुरबत ते मां फातिमा दे घर अंदर, मां फातिमा वल मेरे पैगंबर गए ने, फरमाया फातिमा आई बुनैया कई फाता जी दीन आगी, पुत्र फातिमा तेरे की याल ने, बाबा जी इन्ना हाल आवा जी तुन बेटी दी तकलीफ बढ़ती जा रही है। फरमाया ना ना तीए फातिमा की गल है, बाबा मां इंदा ना मां कोलो, बाबा सुबह तो शाम हो गई है, शाम तो रात पै गई है, तुहाड़ी बेटी फातिमा दे पेट अंदर एक लुकमा तक नहीं गया। फरमाया पुत्र फातिमा परेशान नहीं होना, मां जुक तू तामल मुनजु सला साथी आमिन। फातिमा तैनू ते अज नहीं लभी, तेरे बाबा नू 3 दिन हो गए ने, सवा पानी तो पेट अंदर खोज नहीं गया। ओ मां फातिमा है, जिंदे घर अंदर गुरबता ने डेरा रखा होया है, जिंदे घर अंदर गुरबता ने पंजे पाए ने, आंदियां ने अबू जी कुछ गुलाम एक सानू भी दे दियो। अबू जी तक मैं चक्की गेड़ गेड़ गए हत्थां ते छाले पै जांदे ने, अबू जी तुहाडी लखते जिगरां। फरमाया ना ना पुत्र फातिमा तू मुहम्मद दी धी जरूर है, फातिमा तू खतूने जन्नत जन्नती औरतां दी सरदार जरूर है, ये फातिमा मैं मुहम्मद तैनू गुलाम नहीं दे सकदा, क्योंकि इन्हां नू वेच के मैं कुरान वालियां दे खाने दा इंतजाम करना है। नबी पाक ने अपनी धी नू कहा ना ना पुत्र ये गुलाम वेच के मैं कुरान दियां कारियां नू खाने खिलाने ने। सोनिया इज्जत करिया कर कुरान दियां कारियां दी, मुहब्बत करिया कर कुरान वालियां नाल। मैं मुबारक बाप देना उन्हां मापियां नू उन्हां घरानियां नू जिन्हां अंदर अल्लाह पाक ने कुरान दे कारी पैदा फरमाए ने, जिन्हां दियां बेटियां कुरान दियां हाफजात ने। मुहब्बत दा पैगाम है, आखिरी सदावां सुन तैनू सलाम पेश कराओ। ओ मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो, ओ मैं बात खत्म हो गई, ओए मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो, इत्थे रहमत रब दी वसदी ए आला है दुनिया सारी तो। ओ मैं सदके कुरान दिकारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो, ओ जिते कुरआन पढ़िया जावे
ओते रहमत बार बार पियावे जामात फरिश्तियां तियां दी खुद याद अल्लाह पर मांदे ने क्या शान ते अजमत महफल दी सदके मैं बारिश अनवारी तो ओ मैं सदके कुरान दी कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो ओ जिस कुरान सीने लाया ओनु अल्लाह ने फरमाया है और जिस कुरान सीने लाया है ओनु अल्लाह ने फरमाया है नाले पढ़दा जा नाले और नाले पढ़दा जा मेरे बंदे जिवें दुनिया ते नमाज तरह भी पढ़ांदा सै मेरे बंदे जिवें दुनिया ते कुरान पढ़दा सै नाले पढ़दा जा नाले नाले पढ़दा जा नाले चढ़दा जा तेरा उच्चा मुकाम बनाया है नाले पढ़दा जा नाले चढ़दा जा तेरा उच्चा मुकाम बनाया है माँ बाप नू माँ बाप नू नूरी ताज मिल माँ बाप नू नूरी ताज मिल सदके मैं सोनी सरदारी तो ओ मैं सदके कुरान दे कारी तो कुरान दी महफिल प्यारी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।